हेलो वीवर्स, आमना राजपूत ARK कुकिंग चैनल और मैं हूं आमना फाह शेफ। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और यमी चिकन की रेसिपी, यानी कि चिकन हांडी कढ़ाई रेसिपी है ये। तो चलिए चिकन की हांडी बनाते हैं, लेकिन कढ़ाई के स्टाइल में। तो जिसे बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, चलिए आप उसको नोट कर लें। इसके लिए हमें चाहिए 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है मैंने, जो रफली चॉप कर लिया है। और ऐसे ही हमारे पास 2 जो हैं बड़े साइज़ के टमाटर थे, जिन्हें हमें चॉप कर लिया है और इसके बीज हमने रिमूव कर दिए हैं। और स्पाइस इसके जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से हैं। तो देखिए इसके लिए हमने क्या लिया है। इसके लिए हमने सबसे पहले ली है कुटी हुई लाल मिर्च, जो हमारे पास 1 टीस्पून है। ऐसे ही हमारे पास 1 खाने का चम्मच जो है टेबल स्पून हमने पिसा हुआ धनिया लिया है। 1/2 टीस्पून हमारे पास हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून हमने पिसी हुई लाल मिर्च ली है। इसके अलावा 1 टीस्पून हमारे पास जो है ज़ीरा है, जिसे हमने दरदरा कूट लिया है भुना कुटा हुआ। ऐसे ही हमारे पास 1 खाने का जो चम्मच है, ये है हमारे पास कोकोनट मिल्क पाउडर फॉर्म में। ऐसे ही हमारे पास बिल्कुल 1/2 टीस्पून जो है, ये है हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आता है। और 1 टेबल स्पून हमारे पास है कसूरी मेथी। इसके अलावा 1 टेबल स्पून हमारे पास है भुना कुटा ये साबित धनिया। और इसके अलावा 1/2 kg से ज़्यादा ये हमारे पास चिकन है। और ऐसे ही हमारे पास 2 खाने के चम्मच जो है लहसुन अदरक का पेस्ट है और 2 खाने के चम्मच हमारे पास दही है, जिसे हम आखिर में चिकन की भुनाई में ऐड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कढ़ाई में अपनी कढ़ाई के लिए तैयारी करते हैं। प्याज को हम हल्का फ्राई करेंगे, जैसे ये फ्राई होती है जिसके अंदर हम बाकी तमाम स्पाइस ऐड करते हैं। साथ में हल्का कलर आना शुरू हो गया है, साथ ही इसमें हम अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा भूनेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर देंगे ताकि इसकी उछल कूद ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद ये हमारे कलरफुल से सब स्पाइस इसमें चले जाएंगे और थोड़ी सी भुनाई करेंगे इसकी हम। और साथ ही इसमें पानी ऐड करके थोड़ा सा इसको सॉफ्ट होने देंगे, फिर इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा ढक देते हैं और इसमें थोड़ा सा प्याज टमाटर में सॉफ्टपन आ जाए, सॉफ्ट हो जाए, तो फिर इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। ये देखें मसाला इसका अच्छी तरह भून चुका है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच दही डालेंगे। और इसको भूनेंगे। अच्छा, चिकन हमारी अच्छी तरह से भून रही है। अब इसी स्टेज पे हम इसके अंदर हरी मिर्चें थोड़ी सी ऐड कर देंगे। आपके पास मोटी हो तो आप मोटी वाली ऐड कर दें और चाहे तो बारीक काट के भी ऐड कर सकते हैं। और बस इसकी भुनाई करके इसे थोड़ी देर दम पे रखेंगे ताकि चिकन अच्छी से गल जाए। अब इसी स्टेज पर हम इसमें हल्की सी ग्रेवी करके चिकन को दम पे रख देंगे ताकि इसमें चिकन गल जाए और ये रेडी हो जाएगी इसी ग्रेवी में। और कढ़ाई हमारी रेडी है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और हरा धनिया। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। लीजिए मज़ेदार चिकन हांडी कढ़ाई रेडी है। आप भी बनाइएगा और बताइएगा आपको पसंद आई।
और कैसी बनी। तो मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।